हमारा प्रदर्शन आदरणीय डीएम साहब को हम मुख्यमंत्री जी के नाम एक मांग पत्र दे रहे हैं, जिसको मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। हमारी महोदय मुजफ्फरनगर विषय जैन मंदिर मंसूरपुर में भगवान की मूर्ति व सामान नकदी चोरी होने और चोरी में दिगंबर जैन मंदिर में कुछ अज्ञात चोरों ने अरियंत भगवान की अष्ट धातु की सैकड़ों वर्ष पुरानी चमत्कारी मूर्ति एवं और हमें आशा है कि भविष्य में ऐसी दुष्टतापूर्ण घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने में जिला प्रशासन और शासन कामयाब होगा। भगवान की नहीं हो पाते, कारोबारिक लोग हैं तो अपनी बात को हमारे पास दबाव बनाए पुलिस प्रशासन पर, वहाँ के चोर कौन है कौन नहीं है देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और वो देना भाई साइन हुए हुए पेपर, साइन हुए हुए पेपर, नहीं नहीं साइन हुए हुए पेपर, साइन हुए हुए पेपर। धरना चलेंगे, अभी जाम लगे सब आ जाएंगे।
को भी अभी यहाँ पे जो मंसूरपुर है भाई एक मिनट पुराना जिसका वहां के संस्थापकों को और ये मूर्तियां ये भी नहीं बता सकता कोई समय ऐसा नहीं कि वे सोने की हैं इसलिए कीमती हो गई या इसलिए चोर उठाते हैं हम लोग सहयोगी लोग हैं उन्हें ताकीद करेंगे ये चोरी जरूर खुलनी चाहिए। फिर में कुछ अज्ञात चोरों ने अरिहंत भगवान की अष्ट एवं 24 अरिहंत भगवान की एक छत्र नगदी में रोष व्यक्त है। विनम्र निवेदन है कि मंसूरपुर जैन मंदिर में हुई चोरी से संबंधित दुष्टों को शीघ्र गिरफ्तार किया जावे। जैन धर्म के लोग जैन धर्म देंगे एक बात। दूसरी बात लोकल स्तर पे जो ये चोरी हुई है इसको अभी मेरी बोर्ड में बीच में एसएसपी से भी मैंने पूछा था। एसएसपी ने टीम लगा रखी है और विशेष टीम लगाई है। पूरी कोशिश करेंगे कि चोरी वर्कआउट हो। इसमें हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग अपना सहयोग दें। अगर आपको कोई जानकारी मिलती है किसी पे शक है या आप कुछ उसमें कुछ कोई क्लू है तो वो आपको उनको दे सकते हैं। और मैंने अभी एसएसपी से कहा वो स्पेशल टीम स्क्वाड इसके लिए बना रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी भेजेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये चोरी जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सकती है एक घंटे में दो घंटे या जितनी देखिए टाइम लिमिट मैं नहीं दे सकता। टाइम लिमिट तो आप लोग देते हैं क्योंकि हो सकता है दो घंटे में खुल जाए हो सकता है दस घंटे में खुल जाए। मगर मेन चीज है कि सिंसियरली पूरा ढंग से उसका वर्कआउट करने की वो पूरी कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि सचमुच इसमें प्रयास करेंगे और इसमें एसएसपी स्वयं देख रहे हैं। अभी मेरी बात हुई है इसके लिए वो स्पेशल टीम लगा रहे हैं। कई लोगों को लगा भी रखा कुछ उनको क्लू मिल भी रहे। बाकी मगर मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आपको कोई भी छोटी जानकारी हो पुष्ट अपुष्ट कोई भी जानकारी हो वो आप दे दें। और अभी हमने उनसे बात की है उनके यहाँ एक जो टीम इंचार्ज बना है वो अभी गठित कर रहे हैं। मुगलों के शासन के मंदिर है किले टाइप के मंदिर है उसमें आदमी चढ़ना भी मुनासिब है सोच भी नहीं सकता। हम लोग तो दिन में भी नहीं चढ़ सकते जिनने के रास्ते जा सकते हैं तो जा सकते हैं। 50 फुट ऊंची दीवारें हैं बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। उसके बाद में ये हुआ परसों हमारे 17 तारीख की रात में कुछ अज्ञात 16 की रात में अज्ञात चोर अंदर बढ़े और उसमें से 3 मूर्तियां अष्ट धातु की छतर चमर और गल्ला तोड़ के उसमें से सामान चोरी करके ले गए वहां से। और हम प्रशासन पर मांग कर रहे हैं प्रशासन से कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं कि इस चोरी को खोल लो हमारी चोरी को खोल लो। कोई चोरी को खोलने को तैयार नहीं है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हमारी। हम अपनी मांग मुख्यमंत्री तक प्रधानमंत्री तक चाहते हैं। तस्करी ले जा सके उसको है तो उसके अंदर कुछ नहीं लेकिन हमारी आस्था है उसके अंदर जुड़ी हुई अनमोल मूर्तियां हमारे हमारे लिए तो वे अनमोल मूर्तियां हैं। वो तो 500-600 साल पुराना मंदिर है हमारा मंदिर उसके अंदर तो मंदिर के अंदर अगर आप देखोगे मंदिर को तो उसके अंदर दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं जब मुगलों के शासन में मुगले उस पर कब्जा करते थे मंदिर पे तो उसकी मूर्तियां जो ले जाते थे जैन समाज अपनी मूर्तियों को बचाने के लिए उसमें दीवारों में घुस जाते थे और फिर मुगले ढूंढते रहते थे मिले नहीं थे उसके अंदर। प्रशासन ने कहा कि हम आज कोशिश कर रहे हैं इसमें लगे हुए हैं हमारी टीम लगी हुई है टीम वर्क में 4 घंटे पिछों को तो उधर है मंसूरपुर के अंदर जैन समाज का बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन मुगल शासन काल का है। उसके अंदर से परसों भगवान महावीर की बेशकीमती
वो बहुत श्रद्धामयी जिनकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती, ऐसी मूर्तियों को चोरों ने चोरी कर लिया। पुलिस पर लगातार बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस की ओर से बेहद लापरवाही का व्यवहार किया गया। जो समाज के लोग उनसे मिलने गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उससे बेहद नाराज होकर के समाज के कम से कम 1000 लोग आज जिलाधिकारी से मिले और जिलाधिकारी से अपनी नाराजगी व्यक्त की, शिकायत भी बताई और बेहद आक्रोश समाज के अंदर है। पूरे देश से टेलीफोन आ रहे हैं, सब जैन संतों के टेलीफोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है। पूरे देश के अंदर इस बात का आक्रोश है कि जब वर्तमान शासन के अंदर अगर मंदिर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनकी चोरियों को अपमानित किया जाएगा मूर्तियां चोरी करके, तो समाज कैसे सुरक्षित रहेगा। इसी को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, उनसे बातचीत हुई है। ये चोरी अगर नहीं खुलती है तो निश्चित रूप से बहुत तेज आंदोलन पूरे मुजफ्फरनगर में और आसपास के जनपदों के अंदर किया जाएगा। समस्त जनपद वासियों को यह जानकर बड़ा दुख और खेद होगा कि आज शासन और प्रशासन बिल्कुल पंगु हो चुका है। जैन समाज जैसे अहिंसावादी व्यक्तियों के साथ भी अन्याय हो रहा है। भारतवर्ष की कुल आबादी का सीमित व्यक्तित्व रखते हुए भी भारत के उत्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जैन समाज का रहा है। जैन समाज का 23% योगदान भारत की उत्थान में है। इसी में अभी हमारे तीर्थ क्षेत्र बिल्कुल असुरक्षित हो गए हैं। हम अहिंसावादी लोग हैं लेकिन कायर बिल्कुल नहीं है। मैं जनपद के तमाम शासक और प्रशासकों को यह आह्वान देता हूं कि यदि 12 घंटे के अंदर अंदर हमारे मंसूरपुर मंदिर के अंदर से चोरी की गई 3 प्रतिमाएं नहीं मिली तो हमें अनशन करना पड़ेगा। हमारे अधिकार सुरक्षित हैं और हमारी ताकत कोई कमजोर नहीं है, कायर बिल्कुल नहीं है। अभी माननीय DM साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और SSP महोदय ने भी हमें यह आश्वासन दिया है कि 12 घंटे के अंदर अंदर यह चोरी खुल जाएगी। 12 घंटे में यह चोरी खुल जाती है तो वे नागरिक अभिनंदन के पात्र होंगे, वरना फिर वो जैन समाज के कोप को समझ सकते हैं कि 12 घंटे नहीं 15 घंटे का समय हम उन्हें देते हैं। उसके बाद समस्त जैन समाज सड़कों पर आएगी और फिर उनसे न्याय मांगेगी।